आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे बहुत सारे पैसे बचाए जाएं, घर में बचत में कम पैसों में कैसे काम चलाया जाए, बहुत ही अच्छी अच्छी टेस्टी सी रेसिपीज, टिप्स और ट्रिक्स। तो मेरे चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग सी रोटी की, जो है मैंने जिसे बनाया है ओट्स से रोटी। अक्सर लोग सोचते हैं ओट्स से कैसे रोटी बनेगी, चिपचिपी होगी। जी नहीं, बहुत ही टेस्टी रोटी बनेगी। बस ओट्स एक कप या दो कप जो भी आपको बनानी है लेकर के आटे को, जो ओट्स रोल्ड ओट्स होते हैं ना, उनको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिएगा। मैं तो इसका पाउडर बनाकर रखती हूँ क्योंकि मुझे हफ्ते में एक बार बनानी ही होती है। नमक, जीरा और मैंने यहाँ पर बारीक कटा प्याज डाला है। आप चाहें तो धनिया डाल सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं, जो भी मसाले चाहे। फिर इसको धीरे धीरे पानी डाल करके ना हमको मिक्स करना है। पानी बहुत कम और धीरे धीरे डालिएगा। उसके बाद में इसको हाथ से थोड़ा सा इसका टेक्सचर छू के देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि ये भले ही थोड़ा सा गीला रहे लेकिन जब आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे ना तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, यानी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाए। ये देखिए मैंने इसको इसके टेक्सचर को देखते हुए थोड़ा पानी मिला लिया था। और उसके बाद में इसको निकालिए, थोड़ा सा तेल लगाइए चकले पर और चकले पर ही इसको अच्छे से रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद ना फिर आप इसकी रोटी बनाइए तवे पर या गैस पर। दोस्तों जो फाइबर की रोटी होती है ना, वेट लॉस होती है। वेट अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो हफ्ते में एक बार आप ओट्स की रोटी जरूर खाइएगा। आप चाहें तो इसे गैस पर सेक सकते हो और नहीं तो इस तरह से तवे पर सेक सकते हो। ये बहुत इसमें फाइबर होता है और बहुत हेल्दी होती है। हम जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है। वीक में एक दिन इस रोटी को जरूर खाना चाहिए। घी लगाइए और मज़े से इंजॉय कीजिए। आप चाहें तो इसे कढ़ी के साथ, दाल के साथ या सब्जी के साथ खा सकते हो। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, बहुत ही काम का है और बहुत ही अमेजिंग टिप है कि मैंने इस समय बथुआ खूब आ रहा है तो मैंने बनाया था बथुए का रायता। बहुत जल्दी बन जाता है। आप बथुए को ना ब्लांच करके, यानी बॉयल उबलते पानी में डालकर ठंडे पानी डाल दीजिएगा, फिर पीस कर रख लीजिए। एकदम हरा रंग आता है, बथुए का कालापन बिल्कुल नहीं आता है। तो इस तरह से अब मैं हमेशा बथुए को पीस कर सर्दियों में फ्रिज में रखती हूँ। नमक डाला है, दही लिया है और मैंने डाली है थोड़ी सी काली मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च भी ले सकते हो। इसको फेंट लिया हमने। अब एक तड़का तैयार करते हैं जिसमें बहुत ही जरा सा सरसों का तेल लीजिए। इसमें सरसों के तेल का ही तड़का लगाइएगा, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हींग और जीरे का तड़का लगाया, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए क्योंकि हमारे पास तेल बहुत कम है। और ये देखिए तड़का डाल दिया और बहुत टेस्टी सा अमेजिंग सा रायता बनकर तैयार हो गया है। मैं इसे आगे एक चीज़ से खाने वाली हूँ जो मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही अमेजिंग लगता है। प्लीज़ ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत काम का टिप है दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया सा टिप। नेक्स्ट है इस तरह के रबर बैंड हम बाजार से लेकर के आते हैं, कई बार ना रोज़ में काम ही आते हैं, बाजार से नहीं लाते हैं तो हमारे घर में जो ग्रॉसरी आती है उसके साथ में इस तरह के बैंड आते हैं। इनको आप इकट्ठा कर लीजिए, इनके अंदर थोड़ा सा पाउडर मिला लीजिए। आप बोलेंगे रबर बैंड में पाउडर क्यों? पाउडर इसलिए कि अगर आप पाउडर नहीं मिलाएंगे ना तो कई बार ना ये गर्मी से या लंबे समय तक जब रखे रहते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। तो पाउडर मिलाने से घर में हमारे कंटेनर्स निकलते रहते हैं। अगर कोई भी शीशी नहीं है तो आप इसको प्लास्टिक के किसी भी डिब्बे में, चाय पत्ती का डिब्बा या मसाले के डिब्बे में भरकर रख दीजिए। पाउडर मिलाकर थोड़ा सा हिला दीजिए, साल भर तक आपके रबर बैंड आपस में जरा भी नहीं चिपकेंगे, है ना काम का टिप दोस्तों। अब देखिए दूसरा आते हैं कि ये जो टिश्यू पेपर होते हैं हम लोग बाजार से लेकर आते हैं तो ऐसे ही पैकेट में रखे रखे यूज करते हैं ना, तो कुछ गिरते हैं, कुछ पड़ते हैं और कुछ यूज होते हैं। अगर आपके पास इस तरह का टिश्यू पेपर होल्डर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार हमारे पास ये नहीं होता। ऐसे में क्या किया जाए? ग्लास तो हर घर में होते हैं, कांच के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं। तो लीजिए 5-6 टिश्यू पेपर अपनी ज़रूरत के मुताबिक और इस तरह से उनको फोल्ड करके ग्लास में रख दीजिए। शानदार से हो जाएंगे तैयार, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में टिश्यू पेपर होल्डर नहीं है। दूसरा तरीका है कांच का थोड़ा सा चौड़े मुंह का ग्लास लीजिए, उसमें इसी तरह से यानी दो कोनों को बीच से मिलाना है और जो फोल्ड वाला हिस्सा है ना उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि अगर आप खुला हुआ हिस्सा ऊपर रखेंगे ना तो क्या होगा कि उठाने में दिक्कत होगी। और ऐसे जब हम ऊपर से कोने से पकड़ कर उठाएंगे ना तो पूरा टिश्यू पेपर हमारे हाथ में आ जाएगा। ज़्यादा मेहमान आने वाले हैं तो इस तरह से आप 2-3 लेयर करके रोज़ जैसा शेप दे सकते हो। ये देखिए मैंने किस तरह से लगा दिया, मेरे आज थोड़े ज़्यादा गेस्ट आने वाले हैं तो मैंने उनके मुताबिक जो है निकाल दिए। तो इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। अननेसेसरी टिश्यू पेपर जब इधर उधर भागेंगे नहीं तो आपको दूसरे नहीं लाने पड़ेंगे और पैसे बचे। ये देखिए कितने बढ़िया से लग के तैयार हो गए, तो है ना बहुत काम का टिप और ये बहुत आपके पैसे भी बचाएगा इससे। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि अक्सर हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं या सबसे बड़ी बात है मैंने बनाई थी आज कल रात को भाजी, पाव भाजी बनाई थी तो उसकी भाजी मेरी बच गई थी। तो मैंने आज बनाया भाजी पराठा। दो
दोस्तों इतना अमेजिंग बना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दो रोटी बेल लीजिए, मेरे पास पालक का आटा था, मैंने पालक का आटा लिया है। आपके पास अगर नॉर्मल आटा है रोटी वाला, सिंपल गेहूं का, वो आटा लीजिएगा। दो रोटियां बेल लीजिए, एक रोटी के ऊपर इस तरह से भाजी को पूरा अच्छे से फैला दीजिए, एकदम किनारे तक मत फैलाइएगा वरना इसको जोड़ने में हमको दिक्कत आएगी। और इस तरह से इसको किनारे से जोड़ दिए। रोटी उतनी ही पतली बेलिएगा जितनी आप चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम इसमें बेलन नहीं लगाएंगे। फिर इसको डाल दीजिए आप तवे पर, दोनों तरफ घी लगाइए। इतना टेस्टी और इतना अमेजिंग पराठा बना था ना दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इस तरह से पराठा बना करके ना हस्बैंड के लंच बॉक्स में दे सकती हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं। अब देखिए पराठा बनकर तैयार हो गया। अब लंच बॉक्स में रखने के लिए हमें क्या करना है कि आप इसको फोल्ड करेंगी तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए ना भाजी अलग से रखनी, कुछ नहीं, इस तरह से पिज्जा कटर से आप पराठे के चार हिस्से कर लीजिए और फिर इसको आप लंच बॉक्स में रखिए। आप खाइए, या हस्बैंड के लंच बॉक्स में रखिए या बच्चों के लिए। ये देखिए कितना टेस्टी सा है ना, खाने में कितना आसान है। मैंने इसे रायते के साथ खाया है, आपने किसके साथ खाया ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके कौन सा टिप आपको ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हम लोग बादाम वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो बाज़ार से लेकर के आते हैं, लेकिन कभी कभी ना इनको हम जब रखते हैं तो ये बहुत ख़राब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको एक थाली में फैलाइए, थोड़ा सा हाथों पर ज़रा सा घी लगाइए और मसल मसल के इस तरह से इनको थोड़ा सा एक कोट कर दीजिए घी इनके ऊपर। ये देखिए घी, बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ज़रा सा, नहीं 1/8 टीस्पून लेना है, मतलब 2 बूंद बस लीजिएगा घी। उसके बाद में इसको इस तरह से कोट कर दीजिए और उसके बाद में इसको भर दीजिए आप जार में। आपके साल भर तक भी ये ख़राब नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। आप चाहे तो इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे बाहर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के टिप्स ट्रिक्स और रेसिपी। जल्दी ही मिलते हैं नई टिप्स ट्रिक्स के साथ में। पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।